कर रही हूँ ये है गलाटा ब्रिज और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर फिशिंग का लोगों को बहुत शौक है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। और उसका दो रीज़न ये है कि एक तो फिशिंग यहाँ पर हॉबी भी है लोगों की और मजबूरी भी है, क्योंकि कुछ लोग का जो रोज़गार है, जो घर का खर्चा है, वो इसी फिशिंग के थ्रू चलता है। वो फिश पकड़ते हैं और फिर उसको बेचते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए किस तरह से लाइन से यहाँ पर आपको फिशर मैन दिख जाएंगे। देखिए एक चीज़ और कि ये दोपहर से यहाँ पर आकर मछली पकड़ना शुरू करते हैं और बाकायदा अपने साथ लंच भी लेके आते हैं बैठने के लिए। देखिए देखिए स्टूल भी लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक घंटे में मछली आ जाएगी या दो घंटे में, काफ़ी पाँच पाँच छः छः घंटे इनको यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। तो फुल इंतज़ाम करते हैं, पूरा बंदोबस्त के साथ आते हैं, चेयर, खाना पीना। ये देखिए चेयर अंकल की, अंकल फुल इंतजाम के साथ आए हुए हैं। महिलाएं भी, औरतें भी आपको नजर आएंगी यहाँ पर फिशिंग करते हुए। और अभी कल जब मैं आई थी तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी फिशिंग कर रहे थे, तो ये एक अलग क्रेज आपको नजर आएगा इस्तांबुल में। ये देखिए ये मछली को पकड़ने के लिए जाल डाल रहे हैं। ये देखिए मेहनत का काम है भाई, अब इंतजार किया जाएगा कब मछली आएगी और ये उसको पकड़कर बाल्टी में डालेंगी। बड़ी अलग किस्म की ये मछली है, देखिए इसके नेक के नीचे ये रेड कलर का कुछ डिज़ाइन है और ऐसा लगता है जैसे काट दी गई है, बट ये कटी हुई नहीं है, ये जिंदा मछली है और इनकी शेप ऐसी है। यहाँ पर टर्की में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? तो बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज बैरियर है, बिकॉज़ इंग्लिश ये लोग नहीं समझते और टर्किश मुझे नहीं आती। और यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत आता है। ये देखिए एकदम साफ सुथरा आसमान, कितना कलरफुल। और यहाँ पर ये बोट चल रही है और फिशिंग हो रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी के सेट पर हम हैं और सारे एक्टर तैयार हैं एक्टिंग के लिए। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब दो टर्किश लोग आपस में भिड़ते हैं तो क्या नजारा होता है। मछली पकड़ने का जो इक्विपमेंट है उसमें दूसरे शख्स का तार भी फंस गया है, इसलिए ये नाराज हो रहे हैं। गुस्सा हो गए अंकल काफी, इनका शायद नुकसान हो गया है इसलिए। तो ये देखिए पीछे मेरे जो अंकल हैं काफ़ी गुस्से में हैं, इनका जो नेट था वो जिससे फिश पकड़ते हैं उसमें दूसरे जो इनके बगल वाले जनाब हैं उनका नेट फंस गया, तो वो टूट गया, इसलिए वो ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। बट इतने सारे लोग एक साथ जब फिशिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन जब दो टर्किश लोग आपस में भिड़ते हैं तो कैसे लड़ाई करते हैं, वो मुझे रेंडम मिल गया मौका कैप्चर करने का, तो ये भी एक फन था। तो ये एक
छोटा सा मिनी ब्लॉग दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह पर यहाँ पर फिशिंग होती है और बड़ी रौनक रहती है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।